है बिकॉज मुझे नेशनल की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। मैंने अमीन को बोला था मुझे गोवा में आइसक्रीम खाना है, तो अमीन अभी मुझे बोलता है कि मैम आपने तो आपको आइसक्रीम खाना था, कुछ डिजर्ट मत खाना। डिजर्ट खाने नहीं दिया लेकिन मैंने थोड़ा सा शुगर खाकर आई थी का, और खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा खाना था और उससे ज़्यादा अच्छा प्योर वेज, प्योर वेज का। एंड उससे ज़्यादा जो मेरी बात की नहीं जाए कि वो बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये बस कामयाब हो। और चलिए फिर थोड़ा सा डिजर्ट भी खाई है। चलो मैं खिलाता हूँ आपको। आज सैटरडे की वजह से क्राउड देखो अंदर कितना है, फुल क्राउड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से। वेलकम बैक टू माय चैनल इब्राहिम फैमिली ब्लॉग। तो जैसे कि आपने टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की जो मेरी वीडियो है वो किसके ऊपर होने वाला है और किस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप लोग वीडियो देखने आते हो, इन्फॉर्मेशन लेने आते हो, अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन लो आप। बट अगर आप वीडियो स्किप करके देखते हो उसके बाद आप लोग बोलते हो कि आवाज़ नहीं आ रही, या फिर जो थंबनेल डाला थंबनेल के साथ तो मैच ही नहीं कर रहा, कुछ बोल रही आप थंबनेल की रिगार्डिंग तो आप बात ही नहीं कर रही हो। तो मेरे भाई और बहनों, में एक ही चीज़ बोलूँगी, वीडियो आप स्किप करके मत देखो। वीडियो देखने आते हो, 10-15 मिनट का वीडियो होता है, सुकून से पूरा वीडियो देखो, तब जाके आप लोगों को मैटर समझ में आएगा। स्किप करके आप वीडियो देखते हो जो मेन पॉइंट होता है, मैं कभी भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये स्टार्टिंग में बोलूँगी कि एंड में बोलूँगी बीच में बोलूँगी, मैं कभी भी बोलती हूँ कि बातों के साथ फ्लो में निकल जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या था, स्किप कर करके थोड़ा टाइम देखते हो, फिर वो स्किप में वो मैटर का बात जो है वो निकल जाता है, उसके बाद आप लोगों को समझ में ही नहीं आता कि क्या उसने बोला, फिर मुझे मेरे ऊपर एलिगेशन लगाते हो कि आपने बोला ही नहीं। तो मेरे भाई और बहनों, मैं बोलती हूँ, आप लोग स्किप करके वीडियो देखते हो तो ये आपका मैटर है, आपको दिखाई नहीं देता है, वो स्किप में वो चला जाता है। अगर 10-15 मिनट आप लोग सारा सत्तानी के नंगा नाच वाला वीडियो देख सकते हो, और अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो 10-15 मिनट सुकून से ये वीडियो भी आप देख लो, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिले, पूरा मैटर आप लोगों को समझ में आए। आधा अधूरा कोई भी चीज़, अगर आप एक थाली से खाना खा रहे हो, इधर से थोड़ा खा रहे हो, उधर से थोड़ा खा रहे हो, तो आपको खाने का टेस्ट नहीं आएगा, आपको इसके लिए पूरा खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइटल और थंबनेल की, थंबनेल देखिए आप समझ गए होंगे कि वही मैटर है जो मैटर में मैंने कल बात किया था, प्रिडिक्शन करके, प्री प्रिडिक्शन करके रखा था, बोला भी था आप लोगों को। जी हाँ, सायरा सत्ताने के ऊपर जो केस हुआ है उसी के रिगार्डिंग वो आई है, उसका हैंड्स प्रूफ मैंने आप लोगों को वीडियो क्लिप में दिखा दिया। वो बोलते हैं ना कि चोर चोरी करता है तो पीछे एक सुराग छोड़ के ही जाता है, तो मैडम जी ने तो दिखाने के लिए दिखावा कर दिया कि हम मीटिंग में आए थे, फलाना ढिंका ये वो अमीन के बिज़नेस के खाते मीटिंग में आए थे। आप मुझे बताओ, कोइंसिडेंस, सब कोइंसिडेंस है, गोवा जाना एक कोइंसिडेंस है, फिर वो जिस रेस्टोरेंट से खा के निकलती उसी रेस्टोरेंट से पुलिस वाला खा के निकलता है, आता है जाता है, वो भी एक कोइंसिडेंस है। भाई तुम्हारे साथ तो भरमार कोइंसिडेंस हो रहा है, हैं, हमारे साथ तो इतना कोइंसिडेंस नहीं होता। वो सीरियलों में दिखाते हैं ना कि मेन लीड हीरोइन गिर जाती है, और कोइंसिडेंस देखो उसी वक्त हीरो आके उसको बचा भी लेता है, उसको गिरने नहीं देता, अपने गोद में पकड़ लेता है, और वो हीरोइन उसको देखता है, हीरो उसको देखता है, तो वैसा वाला कोइंसिडेंस सायरा सत्तानी की भी ज़िंदगी में फुल ऑन ड्रामा चल रहा है। भाई इसका ये ड्रामा जो है ना सारे व्यूज़ के लिए है, मैं तो बोलूँगी सारे व्यूज़ के लिए उसके ड्रामे हैं, रियल उसका कुछ भी नहीं है, सारे फेक ही है, पहली बात। दूसरी बात देखो क्या है ना कि जो है ना सच बोला करो, और जो मैंने बोला था उसका प्रूफ मैंने दे दिया है कि कोइंसिडेंस तुम भी उसी रेस्टोरेंट को, तुम्हारे अमीन के काम के सिलसिले में तुम जाते हो, और वहाँ से पुलिस वाला भी निकलता है। भाई ये जो पुलिस वाला निकला है ना, ये उसके साथ, ये पुलिस वालों के साथ ही उसकी मीटिंग थी उसके केस के सिलसिले में, कि भाई अब क्या करना है क्या नहीं करना है, और दावत भी उसने दी थी, मेरे ख्याल से दावत भी उसने दी थी, और मैटर भी वही सुलझाना चाहती है ताकि किसी को कानो खान खबर ना पड़े, क्योंकि भाई ये केस जिसके नाम जिसने दिया है उसके ऊपर वो तो उसका जाने दुश्मन है, और अगर वो उस केस के बारे में लोगों को बोलती फिरेगी तो उसको शर्म नहीं आएगी, उसको तो इमेज सायरा सत्तानी द ग्रेट वुमन, बिजनेस वुमन, ठीक है, मल्टी टैलेंटेड बिजनेस वुमन की इज्जत की तो धजियाँ उड़ जाएंगी, ठीक है। तो इसी रिगार्डिंग वो किसी को बोल नहीं रही, तो भैया अगर तुम व्यूअर्स को अपना घर वाले मानते हो, फैमिली वाले मानते हो, अपना मानते हो, तो फिर सारी सच्चाई खुल के बताओ ना। हम अगर फैमिली वाले अगर किसी को मानते, सपोज मान लो अब इब्बू का अब्बा मेरे फैमिली वाले, तो मैं उसे झूठ थोड़ी बोलूँगी, कुछ छुपाऊँगी थोड़ी उनसे। बेटे को ये अभी ये लोग गए,
तो ये लेके आए, ये लेके आए, लो ये ऐसा होता है बच्चों का। मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो यही करती हूँ, उन लोगों को चॉकलेट खिलाने के लिए भेज देती हूँ, तब तक मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए जद्दोजहद पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है दो बच्चों को लेके। पता नहीं लोग दो दो चैनल तीन तीन चैनल कैसे चलाते हैं। खैर तो वही बात है कि जो मैंने बोला था उसका प्रूफ मैंने आप लोगों को दे दिया, क्योंकि अब उनके पीछे तो बस स्पाईगिरी नहीं कर सकती, स्पाईगिरी इन द सेंस जासूसी गिरी तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन हाँ बोलते हैं ना कि चोर अपने पीछे करतूतों का सुराग जो है वो छोड़ के जाता है। तो उन्होंने वही किया, वो वीडियो तो शूट करी थी बाहर आके उन्होंने, तो वीडियो का जो सच्चाई है मैंने जो मांगा था कि आप प्रूफ दो भाई, आप मीटिंग पे जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो क्या नहीं, वो तो उसने प्रूफ दिया नहीं, छुपाने की कोशिश की, लेकिन छुपाने के चक्कर में एक चीज़ भूल गई एडिटिंग में कि वो मेरे पीछे तो पुलिस वाला था। खैर अब भाई मुद्दे लाख बुरा चाहे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, तो खुदा को भी यही मंजूर था कि उसकी सच्चाई व्यूअर्स के सामने आए, तो वो आ ही गया। और प्रूफ भी मैंने लोग आप लोग बोल रहे थे ऐसा है वैसा है, क्यों उसके पीछे पड़ी हो वो, उस ऐसा है वैसा है उसकी वीडियो क्यों बनाते हो। देखो मैं किसी के पीछे नहीं पड़ी हूँ, कोई अगर अपने कारनामों का सबूत खुद दे रहा है ना तो भाई मेरा तो बोलना बनता है, और तुमको उसको सपोर्ट करना है तो फुल ऑन उसकी वीडियो में करो, तुमको कोई मना नहीं करना, मेरी वीडियो में आके हगो मत, क्योंकि आपकी सायरा आंटी सायरा मम्मी मम्मा जो भी हैं वो वीडियो तो बना ली उसने और मीटिंग तो दिखाई नहीं, लेकिन वो पीछे जो पुलिस वाला आ जा रहा था वो उस चीज़ बोल गई। और कोइंसिडेंसली देखो उसी दिन पुलिस वाला भी उसी रेस्टोरेंट में खाने जाता है जिस रेस्टोरेंट में सारा सत्तानी खाने जाती है। अब समझ रहे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कोइंसिडेंसली देखो वो भी गोवा में ही उसको कोलैबोरेशन मिलता है जबकि गोवा भी लद्दाख शेख है। अब समझ लो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ एक रिंग बना के जो चल रहा है, वो बोलते ना रिंग बना के चल रहा है, तो रिंग बना के चलता है ना, तो क्या ही बोलूँ मैं, आप लोग समझदार हो। और जो लोग बोलते हैं कि मैं उसकी वीडियो क्यों बना रही, क्योंकि वो इतनी झूठ बोलती है ना, वो सब्सक्राइबर को इतना धोखे में रख रही है ना, इतने मतलब कि इतना धोखा रख रहा बात अमीन का बिजनेस का, ठीक है अमीन का जो बिजनेस है ना वो दो साल पहले से लॉकडाउन से उसकी बात चल रही है। मैं अब भी आपको बोल रही हूँ, वक्त आने पर प्रूफ भी दूँगी, सॉरी यार दो साल पहले से उसकी बात चल रही है, दो तीन साल पहले की लॉकडाउन के टाइम से वो बात चल रही है। और वो जो बिज़नेस है वो दुबई का बिज़नेस है, वो दुबई में सेटल होने वाला है। अमीन अभी मैं बोल दी रही हूँ, बाद में आप लोगों को पता चलेगा अमीन का दुबई का बिज़नेस सेटल होने की बात मैंने अपने कम से कम चार पाँच वीडियो मतलब कि हफ्ते दिन पहले मैंने बोला था, आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके देख लेना। अमीन जब नहीं था तभी मैंने ये बात बोला था कि वो दुबई में शिफ्ट होने वाला है, दुबई में बिज़नेस चलाने वाला है, ठीक है। उसके बाद जब अमीन आया तो उसने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे खुद उससे दुबई का जो जहाँ पे गया था वहाँ का पोस्ट उसने शेयर किया है, ठीक है, वो भी उसने प्रूफ दे दिया है। जो दुबई वाली बात थी वो कहाँ तक सच थी, वीडियो का डेट टाइम आप देख सकते हो, और सायरा सत्तानी के जाके वीडियोज़ देख लेना, बेटा ये बच्चे के बाल्टी में डालो, सायरा सत्तानी की वीडियोज़ जाके देख लेना कि टाइमिंग के हिसाब से जो मैंने बोला वही हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग एक बार जाके प्लीज़ चेक कर लेना। दूसरी बात अमीन का जो बिज़नेस है वो दुबई में बिज़नेस है, तो वो इंडिया में मीटिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और दुबई में क्या बिज़नेस है वो सबको पता है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी को। तो भाई तुम अमीन के बिज़नेस के लिए इतनी मीटिंग्स करने वाली की बिज़नेस के लिए तो बिल्कुल भी मीटिंग नहीं हो रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जितने एफर्ट तुम अली के बिज़नेस के लिए डाल लो उतने एफर्ट्स तुम अली के बिज़नेस के लिए क्यों नहीं डाल लो, बता बताओ। अली भी तो तुम्हारा बेटा है ना, अभी भी तुम्हारा बेटा, अमीन भी तुम्हारा बेटा, दोनों तुम्हारे ही बेटे, क्योंकि वो किशोर के बेटा है इसलिए, और वो तुम्हारे नाजायज कामों में साथ नहीं देता इसीलिए है। भाई ये जो औरत है ना इसके आप बातों पे अगर आप भरोसा बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि ये हाथी है, इसके खाने के दांत एक है और उसके दिखाने के दांत अलग है। वो जो दुनिया वो दिखाती है ना चकाचौंध वाली दुनिया, वो दुनिया उसकी ओरिजिनल में है ही नहीं, वो बस व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इधर से काटा हुआ उधर से काटा हुआ, इधर से ट्रांसपेरेंट उधर से ट्रांसपेरेंट, पीछे से 3 BHK कमर लेके चल रही है बस लोगों को, क्योंकि उसको पता है एक चीज़ कि आजकल लोगों को यही चीज़ पसंद आ रही है, उसका नंगापन, ठीक है। कल को वो व्यूज़ के लिए गिल्ली चिट्टी का ऐड करना भी नहीं भूलेंगी, वो कर लेंगी, ठीक है। तो उसका जो मीटिंग था उसका सच्चाई क्या है, लोग जो मुझे क्वेश्चन कर रहे थे देख लो, खुद ही आपकी सायरा माँ ने खुद प्रूफ दे दिया
दूसरी बात, अमीन दुबई सेटल होने वाला है, ये भी मैं आप लोगों को बोल के दे रही हूँ। ये बात लॉकडाउन के टाइम से चल रहा था जो बीच में रुक गया था, ठीक है, अभी फिर से यही जो बिजनेस की बात है वो चल रही है। और ये जो बात है दुबई में बिजनेस का, तो दुबई में क्या बिजनेस है क्या नहीं है वो सबको पता है, ठीक है। हाँ बेटा, भैया आ रही है। तो मेरा ये जी वीडियो थोड़ा घुमा फिरा के बताना मुझे नहीं आता है, सस्पेंस क्रिएट करके व्यूज़ के लिए बताना मुझे नहीं आता है। जो सच्चाई थी वो मैंने आप लोगों को बोल दी, सबूत जो था वो भी मैंने आपको दे दिया, बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप भरोसा करो या ना करो, दैट्स अप टू यू, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। मुझे जो बनाना होता है वो मैं बनाऊँगी, मुझे जो बोलना होता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना होता है मैं करूँगी, एंड नोबडी विल स्टॉप मी। एंड अगर आप लोगों को पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे चैनल पर नया हो तो। आज के वीडियो इतना तक, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त, दुआ में याद रखिए, एंड लव यू ऑल, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। एंड कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गंदगी में उतर आए हैं, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा, तो मैं उन लोग को इतना ही बोलूँगी, भाई तू जो सबको नाजायज़ औलाद बनाने में तुली हुई है, पहले तू ये देख ले कि तू किसकी जायज़ औलाद है, क्योंकि तेरी जो परवरिश है ना वो देखे तो मुझे लगता नहीं कि तू किसी की जायज़ औलाद है, ठीक है। और दूसरी बात, जो तू गंद जो तू लोगों की ज़िंदगी में फैलाना चाहती है ना, देख हमको तो कुछ जाता आता है नहीं, तू वैसी है ना, मुझे मज़ा आता है ऑनेस्टली, मेरी बेटी की कसम, बहन की कसम, मैं जो तुझे ना ऐसे करके कल के आई हुई, हाँ मैं छोटी यूट्यूबर हूँ, मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, कल को अगर मेरे मुझे पता नहीं डेस्टिनी में क्या लिखा है, अल्लाह ने मेरे रिजल्ट में क्या लिख कर रखा है, बट एक महीने में अगर 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर मेरे हो सकते तो काफ़ी पहले आई थी, फिर सिर्फ 10 हज़ार सब्सक्राइबर तेरे पास, वो भी लाइव में बैठ बैठ के। अरे भाई तू जो बोलते ना लोगों के, लोग छोटी यूट्यूबर छोटी यूट्यूबर, तो बहन तू कौन सी बड़ी यूट्यूबर है, लाखों में सब्सक्राइबर है कि मिलियंस में सब्सक्राइबर है, ज़रा बोल, तकब्बुर तो देखो, 10 हज़ार सब्सक्राइबर लेके तू बैठी और बोल रही छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू यूट्यूबर। अरे वो चुन्नू मुन्नू के बातों से देख तेरी तशरीफ में कितनी आग लग रही, चुन्नू मुन्नू है ना, तो रिप्लाई कैसे दे देती है तू है, और तुझे बोलते ना खौफ, मेरे तशरीफ में भी तेरी खौफ ना जाए, तुम जैसे लोगों की ना, तुम लोग तो इतने गंदे हो ना, तुम लोगों ने तो अपने बच्चों को क्या, अल्लाह तुम लोग को इतना भी सेंस नहीं है। मेरे अबू के अब्बा ने तो एक ही चीज़ बोला कि देखो तुम वीडियो बना रही हो सही है, बट ना गाली गलौज करो, ठीक है, और ना घर में गाली गलौज करो वीडियो में, क्योंकि तुम वीडियो बनाओगे तो घर में बनाओगी, और घर में मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं कि हम गाली गलौज करें, ऑनेस्टली बता रही हूँ, और ना मैं अपने बच्चों को वैसा माहौल देना चाहती हूँ, क्योंकि क्या है ना, बच्चे बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और बोलते नहीं हैं, बट एक होता है ना कि बच्चे सीखते बहुत जल्दी है, और मेरे दोनों बच्चे भी अभी बढ़ती उम्र है, जैसा मैं करूँगी वैसे ही वो लोग सीखेंगे। किसी ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया था इनडायरेक्टली, बिना नाम लिए, ऑफकोर्स बिना नाम लिए हैं, तो कि मैं ऐसे करके रखती हूँ, तो भाई मैं अगर ऐसे करके रखती हूँ ना हिंदू से मुसलमान बन के, तो यू शुड प्राउड ऑफ इट कि भाई किसी कोई लड़की दूसरे कौम से आके मेरे कौम का जो सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है, और मैं अपने लिए कर रही हूँ, मेरा अमल मेरे साथ जाएगा, मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी, जैसा मैं करूँगी वैसे ही मेरा बच्चा भी सीखेगा। देखोगे आप लोग, एक चीज़ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। इब्राहिम नमाज़ पढ़ लो, सजदे में जाओ, नमाज़ पढ़ लो। मम्मा कैसे नमाज़ पढ़ते हैं, माशाल्लाह, बस लोगों ने, मैं हिंदू की बेटी हूँ, ठीक है, और मेरा शौहर दिन भर घर में रहता नहीं है, और जो भी है मैं ही हूँ बच्चों के साथ। अगर मेरा 1 साल का 1.5 साल का बच्चा नमाज़ पढ़ो मतलब सजदे में जाना समझ सकता है, तो सोचो मेरे घर की जो एनवायरनमेंट है वो कैसा हो सकता है। एक बच्चा क्या होता है ना, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलती हूँ, हम ना खुद के साथ साथ अपने घर की जो परवरिश, अपने माँ बाप की जो तरबियत है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्योंकि वो लोग बोलते हैं ना कुछ भी होता है ना, लोग बोले अरे इसके तो माँ बाप भी ऐसे ही होंगे, इसके माँ बाप ने इसको ऐसा सिखाया, लड़की कुछ करे तब इसकी माँ ही ऐसी होंगी करके बेटी वैसी है, ठीक है। तो कल को अगर हमारे बच्चे कुछ करते हैं ना, तो उसका सीधा सीधा ब्लेम हमारे ऊपर आएगा। देखो बच्चे घर में तो गलत चीज़ कुछ कर नहीं सकते, माँ बाप की इज्जत से बोलो या डर से,
लेकिन बाहर वो बराबर करते हैं। और आज मैं बोलूँगी, हाँ माशाल्लाह से मेरी बच्ची बहुत समझदार है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है माशाल्लाह से, तू तेरी देख ये देख वो देख। तो क्या है ना, देखो बच्चे जैसे भी हो, बच्चे हर माँ बाप के अच्छे ही होते हैं माँ बाप के नज़रों में, ठीक है। उसके जो टोन है मैं वो बता रही हूँ, छपड़ी झोपड़पट्टी की टोन है, लेकिन वो बाहर जाके क्या करते हैं वो हमको पता नहीं होता है, ठीक है। मैं जो फैक्ट है वो बता दूँ, बाकी भर में जाए किसी का भी बच्चा कुछ भी बने, मेरे को क्या है, मेरे को क्या है, ठीक है। एज ए मदर मैं बता रही हूँ, तो बच्चे हमारे सामने तो नहीं करते हैं लेकिन बाहर करते हैं, और बाहर जब करते हैं तो लोग बोलेंगे दीदी इसके घर में शायद यही एनवायरनमेंट होगा, उसको वही परवरिश मिलेगी, इसकी माँ भी वैसी होगी। लड़कियाँ कुछ करती हैं तो दीदी अपनी माँ के ऊपर आता है, तो तुझे ये घर में गाली गलौज कर दिया ना गटर मुँह की, तुझे तो ये भी सेंस नहीं है। बच्चों लोगों को बोलती मार 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 मार, इसको मार उसको मार, उसको मुँह पे मार उसको मुँह पे मार, तो ये तक नहीं समझे। तुझे आज दूसरों को मारने के लिए अपने बच्चों को तुम लोग भी सिखा रहे हो ना, कल को वही बच्चे तुम लोगों के मुँह पे मारेंगे। अब तो मेरा सुन के वीडियो में, हाँ मेरे बच्चे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे, जैसे मच्छी बाजार के लोग नहीं होते वैसे से बात करती है, तकब्बुर इतनी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोला सी ना शुक्रानी औरत, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलती नहीं। मैंने देखा एक चीज़, मुसलमान की बेटी, मुसलमान का तो रंगों में तेरा खून है। खैर हमारा बाप तो मुसलमान नहीं है ना मेरा, हमारा दादा मुसलमान है, हमारे रंगों में तो मुसलमान का खून नहीं है। बट एक चीज़ होता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलना सीख, ये जो तो तकब्बुर करी है, जो तेरी ज़बान पर ताकत दी है ना गाली देने की, किसी को भी कामा सा क्या कामाटी बुरा धंधे वाली जो बोलती है ना, वो ताकत भी तेरे को तेरे रब ने दी है, मेरे रब ने दी है तेरे ज़बान पर, ठीक है। एक बार अगर ज़बान पे लकवा मार गया ना, बिस्तर में धर करके गिर जाएंगे, तो किसी को पाने के लिए भी नहीं मांग सकती मुझसे, ठीक है। अल्लाह करे ऐसा ना हो किसी के साथ भी, तेरे साथ के मेरे साथ के किसी बच्चे की माँ के साथ ना हो, बट अल्हम्दुलिल्लाह बोलना सीखना शुक्रानी औरत। और तेरे पास क्या है क्या नहीं है ना, तेरी सगी चाची ससुर सास है ना, वो समझ गई ना कौन से मैटर के बारे में बात कर रही हूँ, जो न्यूज़ में बोला गया था 25-25, 20-20 हज़ार जो BMC का ऑफिसर बन के लौटा गया, ठीक है। अच्छी नहीं थी बट अच्छी बनने की कोशिश कर, सदा यूँ ही छोपर पट्टी के लोगों की तरह मत रहे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे दो बेटियाँ हैं, जैसा तू करेगी वैसी तेरी बेटियाँ भी सीखेंगी, चाहे तो मान या ना मान। तो वीडियो में आके ढोंकना स्टार्ट कर देंगी माशाल्लाह से, जो लोग ऐसे बात करते हैं ना औरतें, मेरे को तो वैसे ही बहुत दिमाग ख़राब होता है। खैर जान दो, अपना अपना तरीका होता है। मेरी बेटियाँ बहुत समझदार हैं, हम सब कर लेते हैं। इतनी खमन की बात भाई आती कहाँ से, मेरे को समझ भी नहीं आता। बाप अरे कम से कम घमंड कर तो, अल्हम्दुलिल्लाह तो बोला कर, उसी घमंड के लिए तो कम से कम अपने रब का शुक्र अदा कर जिसने मेरे को घमंड करने के लिए छोड़ा है। अरे तू तो अल्हम्दुलिल्लाह तक नहीं बोलती है, मैंने बहुत नोटिस किया तेरे बातों पे रब का कोई जिक्र नहीं होता, बस माशाल्लाह ताकि नज़र ना लगे। बाकी एक होता ना ग्रेटफुल, दैट आई एम ग्रेटफुल कि मेरे रब ने मुझे ये दिया है, तो ग्रेटफुल कभी नहीं होती है नाशुक्रानी औरत। तो तू रब का शुक्र अदा नहीं करती तो किसी का क्या करेगी। और सुन मैं तेरे को एक बात बोलती हूँ, उस दिन बोला तो नहीं याद है लाइव में कि इसका आवाज़ सुन के मम्मी अम्मी आ गई थी ऊपर, डर गई थी क्या होगा क्या नहीं, मैं भी डर के आ गई। तो सोच तुम लोग की आवाज़ अगर बाहर जाती है ना, तुम लोग जो लाइव में बैठ के भौंकते रहते हो ना, मेरे को तो फ़र्क भी नहीं पड़ता पर्सनली, आई रियली डोंट नो। और मैं ऐसे तेरे को बस करके मास्क लगा दूँ, मेरे बेटे का मुझे बहुत मज़ा आता है जब तू फटती है, फ़र्क तो मुझे पड़ता नहीं कि ना तो मेरी चाची है मौसी है क्या है क्या नहीं है। बट वो जो तेरे को लगा के छोड़ देती हूँ ना, उसके बाद जब तू भौंकती है ना, मेरे को बड़ा मज़ा आता है। लेकिन भौंकना चाहिए, कोई हमको बोल के चल जाए, हमको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन एक तमीज़ में कर। कब तक ये छपरी पना करेंगे, माशाल्लाह से बेटियाँ बड़ी हो रही है और बेटियाँ बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। मेरी बेटी भी देख अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी 7-8 साल की होगी, 8-9 साल को मेरी शादी की होगी, 18-19 साल में मेरी शादी हुई। तो लड़कियाँ ना बहुत जल्दी समझती है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी काम मत करके बच्चों के ऊपर गलत। और ये जो पता है तूने बोला था ना कि तेरी बेटी आई डी लेके आई है स्कूल में, ये वो, तो एक चीज़ तो इतना ध्यान में रख, मैं कॉन्वेंट की स्टूडेंट हूँ, आई वॉज अ कॉन्वेंट स्टूडेंट, ठीक है। एक सेकेंड, तो आज जो लाइन में भौंक रही है ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने ना बेटे को, बेटी को, मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ, खैर मेरा तो दौर चला गया, मेरी बेटी भी इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम के ना अच्छे अच्छे घर के लोग बच्चे पढ़ाते हैं जिनकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। मैंने देखा यार व्लॉग देखे, मुझे बुरा लगा यार, ये बच्चों के सामने इतनी गंदी गालियाँ देती हैं और बच्चे आई डी देते हैं माँ का, एक फ़ख्र से देते हैं, समझ इस बात को। मेरा तो घंटा
वहाँ का बारे में कुछ नहीं, तू कुछ ना उखा पाएंगे, वो तो मुझे पता है तू क्या है क्या नहीं है, लूट लाट के बैठी है, तो इतने तो खुद अपने मुँह से बोलते थे तो अच्छी नहीं है, तो समझ जा। लेकिन क्या होता है ना कि बेटियाँ बड़ी हो रही, कल को बेटियाँ जाएगी ना बाहर तो तुझे रिप्रेजेंट करेंगे, बाप को नहीं, बाप दिन भर घर में रहता नहीं है, बाप रात को आते हैं। कोई बोलता है ना तेरे ससुराल वाले बोलेंगे तो तेरे को, तेरे माँ बाप को बोलेंगे, तेरे बच्चों के ससुराल वाले बोलेंगे तो तुझे बोलेंगे, ठीक है बात कर, किसी को बोलना है बोल, बट ये स्लैंग तो यूज़ करिए ना, वो किसी के लिए नहीं करिए, हमारा क्या है, तो हमको उधर से बैठ के गाली दे रहे, हमारे लाइफ से थोड़ी फ़र्क पड़ रहा है, हमको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बच्चों में उसका गलत इफेक्ट होता है। कल को मान ले तो जो बोल दिया धंधे वाले धंधे वाले, तेरी बेटी स्कूल में जाकर अगर बोल दी बहुत गुस्से में आ गई, बहुत गुस्से में किसी बच्चे के साथ लगा ही होता है, ठीक है, उसने अगर बोल ए धंधे वाले, सोच तेरी इज्जत कहाँ रह जाएगी, समझिए तो मेरी बात को। फिर जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा प्रिंसिपल बुलाएंगे तो उस बच्चे के माँ बाप भी बोलेंगे सर इनकी आईडी जाके आप खोल के देखिए, इनका घर का माहौल ही ऐसा है, वो तो ओपनली लाइव में और वीडियो में गाली देती है, ऐसी उनकी उनकी जो है ना अपब्रिंगिंग ही वैसी है, इंग्लिश मीडियम है ना, तू तो पढ़ी लिखी नहीं है मुझे मालूम है, तू बोल दे फिर मैं यकीन नहीं करूँगा, पढ़ लिखे की बात एक अलग होती है। और इंग्लिश मीडियम में ना ऐसा होता है कि बच्चे आजकल बहुत शार्प होता है, इंग्लिश मीडियम में ना बुलिंग पुलिंग वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मान ले तेरी जो वीडियो तू जिस तरह की वीडियो तू बनाती है, ठीक है, किसी को बोलना है बोलो, लेकिन एक लिमिट में बोलना चाहिए कि अपने बच्चों का सोच के वो लेट डाउन ना हो, ठीक है, क्योंकि तू जैसा करे कि बच्चों का एक होता है ना प्राउड फील होता है, तो उनको लेट डाउन करिए, क्योंकि तेरी आईडी बहुत सारे लोगों के पास है और वो लोग जब तेरी वीडियो देखेंगे ना, बच्चे बोले कि मम्मा मम्मा आई वाज सीइंग हर मम्मा'स वीडियो एंड शी वाज अब्यूजिंग समवन, शी दे आर सो चीप ना, तो मतलब कि कोई बच्चा अगर तेरा वीडियो देखे वो अपनी माँ को बोलेगा कि मामा मैं इसका वीडियो देख रही थी और वो गाली दे रही थी, वो लोग कितने नीच है ना चीप, तो उसकी माँ जब देखेगी ना, माँ बाप जब बच्चे बोलेंगे तो माँ बाप देखेंगे ना, बोलेंगे हाँ यार ये लोग तो वीडियो में गाली देते हैं, तो माँ क्या करेगी, बोलेंगे बेटा इनके इनके बेटियों से तुम बात मत करा देते, ऑब्वियसली उसकी माँ गाली देती है। अब मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे गुनू किसी ऐसी औरत के बच्चों से बात करें जिसकी माँ इतनी गंदी गालियाँ देती है, तो थोड़ा ना गाली देना कम कर दे, मेरा बाप को कुछ नहीं जा रहा आ रहा, तो उधर से बैठ के गाली दे रहे, मेरा नाम ही मेंशन नहीं करे, मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा, बट मैंने तेरे एक व्लॉग देखा, तो एज ए मदर बता रही हूँ, बाकी तेरे से मेरे को कोई डरना देना नहीं, बट मैं तो तेरे से बात भी ना करूँ इतने गंदे जबान में, मैं तेरे को घर में बिठा के चाय ना पिलाऊँ बाबा, एक बात की बात जैसे औरतों को एक दिन आएगी दो दिन आएगी तीसरे दिन गाली दे देंगी मेरे बच्चे के सामने, हमारे घर में गालियाँ नहीं चलती बाबा, हमारे घर में दिन की बात नमाज़ें होती, मेरे एक साल का डेढ़ साल का बच्चा नमाज पढ़ना जानता है और सजदे में चला जाता है, तो सोच मैं हिंदू हूँ कि मेरे बच्चों को मैंने कैसे तरबियत दी है, ठीक है, तो फिर किसी दिन तो गाली दे देगी, मेरा बच्चा अभी वही रटेगा इब्राहिम, जो सुनता है वही बोलता है, आजा आजा बोलने लग गया उस दिन, तो मैं तो तूतकार करके बात बहुत कम करती हूँ, बाबी बहुत कम करते, कभी कभी निकल जाता तो मेरा बेटा बोल रहा था उस दिन दे दे, तो बाप मैं भाई तुमको ना बुलाऊं, क्योंकि इंसान अच्छी परवरिश देखे भी बच्चे अच्छे नहीं निकलते, और हम तू अगर ऐसे गालियाँ देगी तो मुझे माफ़ करो अल्लाह, खैर जो भी है तेरी भलाई के लिए बोल दूँ, बींग ए मदर एक माँ से मैं बात कर रही हूँ, पर्सनली मैं तेरे से बात नहीं कर रही, अगर तू समझदार है तो समझ जा, ऐसी वीडियो बनाना बंद कर, बंद मत कर, जो तेरा है कंटेंट है तू चला तेरे कंटेंट के हिसाब से, लेकिन ये गंदी जो जबान कर रही है ना वो कम कर दे, ये तेरे माँ को कामा की पूरा में क्या जो भी है, तो सोच तुझे लाइव बैठते ना वो वीडियो कोई देखने लायक है तो मुझे बताना, अगर ये वीडियो तेरे बेटी के स्कूल के टीचर देखे तो आंखों से आंखें मिला पाएंगे, उनको तो नहीं पता ना मैटर क्या है, किसने तेरे साथ बुरा किया, किसने अच्छा किया, किसने तेरे साथ, और फिर तो जब सारा कुछ सुनाने बैठेगी, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारा दुखड़ा सुनते बैठे कि है हमने इसको सपोर्ट किया था इसलिए हमको धोखा दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो जब बच्चे थोड़ा बड़े होने लगते हैं ना तो माँ बाप को बच्चों के फ्यूचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ये बात तू समझ, एक माँ होकर मैं तेरे को बोल रही, बीइंग ए मुस्लिम आई एम टॉकिंग टू ए मुस्लिम मदर, ओके, बाकी समझना और ना समझना तेरे ऊपर है, तो समझना है समझ, नहीं समझना है बाहर में जाओ, तुम उधर से बैठ के मेरे को बोल रहे, मेरा नाम भी मेंशन नहीं कर रहे, ना तुम मेरे चाचा के बेटी हो, ना ताऊ की बेटी हो, ना खाला की बेटी, ना फुपेरी ननंद हो, कुछ भी नहीं लगती मेरी, जो मेरे को वो होश से मुझे ऐसा बोले फ़र्क पड़ेगा, मैं तो बस मज़े के लिए तेरे को बोलती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, इब्राहिम की कसम है, इब्राहिम की छुट्टी कसम मैं खाती नहीं हूँ, कुरान की तो खाती नहीं हूँ, अल्लाह की कसम मैं बोलूँ, मैं बस तो भम करके फेंकती है। दूसरी बात तकब्बुर करना बंद कर दे, अगर मैं एक महीने में 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर बना सकती हूँ ना
तो अगर ऐसे लाइव में लोग लाके ना, तो 13 से 10 हज़ार तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं, 10-11 हज़ार। तो ये जो तू बोलती है ना, छोटी यूट्यूबर एक्सेंट, यूज्ड इंग्लिश एक्सेंट, इंग्लिश अमेरिकन एक्सेंट, सो वेब्स who doesn't know how to speak in English, but you are using accent, that's which is great, but you don't know how to write properly in English also, but you are using accent, so you're showing that from which background you are coming from. So छोड़ तेरी बात, मैं तो पक जाती हूँ यार, मेरे को इतनी पकाव लगती है ना, तो आई स्वेयर मेरे बेटे की कसम, तो मुझे इतनी पकाव लगती ना, मैं एकदम बोलती इसका पति कैसे रहता है, और मेरा पति होता ना इब्बू के अब्बा तो खैर जाने दे, मेरे को क्या लेना देना तेरे से, तू तो अपना घर बसा, तेरे बेटियों का फ्यूचर, बस एक माँ के ऐसे ऐसे बोल दूँ, बच्चे सुनते हैं, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, तुम्हारी वीडियो अगर हम देख सकते हैं तो तुम्हारे बच्चों के स्कूल वाले भी देखते होंगे, ठीक है, तो ऐसा काम करो कि बच्चों का फ़ख्र से ना सर ऊँचाओ, जैसे कि मेरे बारे में ना अगर कोई सुनता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरे रब ने मुझे दिया है तोहफे में कि मैं इस्लाम में आऊँ, सब बोलते माशाल्लाह। कल को जब मेरी बेटी के ससुराल वाले या फिर मेरी बेटी के ससुराल वाले स्कूल में भी पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, टैटू देख के समझ ही जाते, फिर पूछते भी है, जब मेरी बेटी बोलेगी ना माई मॉम वॉज हिंदू एंड आफ्टर मैरिज शी बिकेम इस्लाम, तो लोग ना एक वो होंगे, मतलब उसकी छाती ना एकदम वो होगी कि हमारे घर में ना जात पात इंसानियत की भेदभाव नहीं होती। और मेरे बच्चों के टीचर जब मुझसे बात करते हैं ना, बिकॉज ऑफ कोर्स आई वॉज अ कॉन्वेंट स्टूडेंट एंड लिटिल बिट एजुकेटेड आई एम, या मतलब कि थोड़ा बहुत तो हूँ यार मैं, तो वन दे स्पीक इन इंग्लिश विथ मी, सो उनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई इसकी माँ जो एजुकेटेड है, ऊपर से ईमान भी कबूला है, ऊपर से ऐसे ड्रेसिंग सेंस करते, तो बहुत इम्प्रेस होते। तो मेरी बेटी ना थोड़ा, आजकल के बच्चे बहुत होशियार, वो समझ जाते हैं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट आजकल के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत होशियार, वहाँ के पेड़ से होशियार बन के आते हैं, उनको गैजेट इस्तेमाल करना या फिर मतलब टीवी देखना या फिर बच्चों के साथ बात करना या फिर सब कुछ उनको सब पता होता है, जैसे कि हमारे पेड़ से वो लोग ट्रेंड होते आते, वो लोग ट्रेंड होकर आते। तो बहन ऐसा काम कर कि बेटियों का सर फकर से ऊँचा हो, जो छठी गलत किया बच्चे छोटे थे हो गया, उनमें मिट्टी पाओ, तुमको किसी को, तुमको अगर सज़ा देना है तुम दो, तुमको किसी को बोलना है बोलो, इट्स अप टू यू, वट एवर यू कैन डू, वट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज यू हैव द राइट टू लिव इन योर वे, यू हैव द राइट टू स्पीच इन योर वे, बट एक जो है ना एक दायरा होता है वो मेंटेन करो, इतना ही बोलूँगी, बाकी कुछ नहीं। चलो आज का व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, देखना तो देखो, नहीं देखना तो नहीं देखो, वो आप लोगों का मैटर है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। चलो आज के लिए इतना ही, बस फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।